नमस्ते दोस्तों, 16वां दिन है। आप देख सकते हो सब बच्चे तंदुरुस्त है। कुछ प्रॉब्लम जो आ रही है वो बच्चे आपस में अभी झगड़ना चालू हो चुके हैं, एक दूसरे को काटना चालू कर चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी मुझे डीबैकिंग करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा खुली जगह है करके, लेकिन नहीं, आज मेरे को एक दो चूजे ऐसे मिले हैं जिनके मुंह पे थोड़ा सा अटैक हो चुका है, तो मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके डीबैकिंग भी करूँगा, आप लोग को दिखा दूँगा, डीबैकिंग की प्रोसेस भी दिखा दूँगा। तो अगर चूज़ा मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो, ये प्रॉब्लम आना चालू हो चुका है। जो आपस में लड़ के ये लोगों ने खून निकाल दिया है, तो अभी जो लाल कलर इसका दिखाई देगा उस पर सब पंछी चोंच मारना चालू कर देंगे। इसके लिए जल्दी से जल्दी हमें डीबैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो इसकी कंडीशन क्या हो रही है अभी। अगर कल इस यही पंछी को देखने जाओगे तो बहुत बुरी हालत में रहेगा ये। ये देखो, इसको मैंने अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके पंछियों का। जब आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे तुरंत डीबैकिंग कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका पूरा माल ख़राब हो जाएगा। अभी ये आप एक दूसरे के पर भी नोचना चालू कर देंगे, तो फिर जितने अगर आपके पंछियों में पर कम हो गए तो आपको उतना रेट भी कम मिलेगा। तो बेहतरी इसी में है कि आप जल्दी से जल्दी डीबैकिंग कर ले। और दोस्तों, मैंने दो चूज़ों को अलग से निकाला हुआ है, क्योंकि एक को थोड़ी चलने में तकलीफ़ आ रही है और एक को थोड़ा, इसको थोड़ा सर्दी वाला प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, तो मैंने इसको भी निकाल दिया है। इसको फीड डाल दे दिया, फीड और पानी साइड में रख दिया है। इसको मैंने लैक्सीन पाउडर चलाया हुआ है खाली ये दो पंछियों के लिए।